मंत्री गोविंद सिंह का बयान आया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का ये बयान बाढ़ को लेकर, सीएम की मुलाकात पर उन्होंने बयान दिया, केंद्र से मदद मांगना हमारा अधिकार है, सरकार अपने स्तर पर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है, बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े फंड की जरूरत है, सरकार ने केंद्र से अपना हक मांगा है, कहना है गोविंद सिंह का। गोविंद सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता सुधीर तंदुलिया ने। मध्य प्रदेश में बाढ़ और राहत को लेकर सीएम कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और मध्य प्रदेश को तत्काल राहत राशि जारी करने की मांग की। हमारे साथ प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं। सर, प्रधानमंत्री से मुलाकात आज सीएम साहब ने की है, केंद्रीय गृह मंत्री से भी मिले और मध्य प्रदेश को तत्काल राहत राशि जो बाढ़ पीड़ित उनके लिए मांगी। देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और मैं समझता हूँ कि अतिवृष्टि से करीब 26,000 हेक्टेयर करीब 1,00,000 हेक्टेयर हमारी भूमि प्रभावित हुई है। बहुत सारी सड़कें नष्ट हुई हैं, बहुत सारी पशुधन की हानि हुई है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है और इतनी अतिवृष्टि के बावजूद भी जो संभव हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, राजस्व विभाग की तरफ से हम लोगों ने मुआवजा देना शुरू कर दिया है। लेकिन फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार की टीम आई थी, उन्होंने आकलन किया था, दोबारा भी टीम आई आकलन किया है। सर, एक अलग अटके सवाल, साध्वी प्रज्ञा हमेशा विवादों में रहती है, कल उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपुत्र हैं जबकि दर्जन को राष्ट्रपिता कहें। अब साध्वी प्रज्ञा के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि वो हमेशा चुनाव जब से उन्होंने लड़ा है और जब से वो सुर्खियों में आई हैं तब से विवादों में रही हैं, तो उनकी टिप्पणी उनको मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीएम से मुलाकात की और राहत राशि केंद्र सरकार जल्द जारी करे, ये मांग राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत ने भी की है। कैमरामैन अमरीश के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल।